फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाए थे जेई पर बेस्ड डिफरेंशिएशन टॉपिक को लेकर के, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज पर भी बनाइए, तो मैं आपके आग्रह को ठुकरा नहीं पाया। तो मैंने कोशिश की है इस बार कि आपको सीक्वेंस सीरीज का कुछ ऐसा नायाब और जादुई तरीका बताऊं। और मेरे पास जो है ये आपकी बुक है जिसमें 2019 से पहले 79 से लेके 2019 तक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। और मेरा पहला और आखिरी फोकस इसी बात पे होता है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल पाए जो जेई की एग्जाम्स में आए हैं, ना कि जो मुझे पसंद है या किसी और को पसंद है। तो आइए हम दोस्तों चालू करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस से जो कि जेई में आ चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको जेई का 2015 का बताता हूं, जबकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं हो। ये क्वेश्चन है 1³ + 1³ + 2³ / 1+3, 1³ + 2³ + 3³ / 1+3 + 5 up to, इसमें दिया हुआ है कि सम अप टू 9 टर्म्स निकालना है। अप टू 9 टर्म्स इसका सम हमें निकालना है। तो 9 टर्म्स के लिए क्या करें सबसे पहले? तो सबसे पहले आपको इसका nth टर्म जज करना है। nth टर्म क्या होगा? 1³ + 2³ / 3³ / 5 up to n terms, अप टू n टर्म्स, या आप 2n-1, आपको समझ में आता हो कि 1, 3, 5 का nth टर्म 2n-1 होता है, तो 2n-1 भी लिख सकते हैं। अब इसका सम आपको मालूम होना n + 1/2 होल स्क्वायर, ये किसका सम है? तो ये मैं सम आपको जो स्पेशल सीरीज के सम है वो यहां लिख देता हूं, सिग्मा एन 1+2+3 up to n, ये जो सम है इसकी वैल्यू है nn+1/2, सिग्मा एन स्क्वायर 1² 2² up to n² = nn+1 2n+1/6, सिग्मा एन क्यूब 1³ + 2³ up to n³, इसका सम है nn+1/2 होल स्क्वायर। लास्ट टाइम मैंने व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बनाया था, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे जो क्लैरिटी थी लेटर्स की वो इतनी बराबर नहीं आई, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, तो हम इसलिए इसको ग्रीन बोर्ड का यूज कर रहे हैं। और आप बीइंग फिजिक्स स्टूडेंट, आप ये समझिए कि इसमें रिफ्लेक्शन जो है, जो आपका होता है वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब वो क्या प्रिंसिपल है आप मुझे खुद बताना। n/2 इसमें सम, इसमें ये कोई सी भी सीरीज से मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसका सम ऐसा है n/2 2 × 1 + n-1 × कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हमने एपी का सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब आप इसको देखो, इंटेलिजेंट हो तो सिंप्लीफाई जल्दी से करो मेरे साथ, 2 × 1 और ये -2 कैंसिल, क्या हो जाएगा आपके पास 2 × n 2n और ये 2 से कैंसिल, तो n स्क्वायर, ये है आपके पास n² n+1/2 होल स्क्वायर / नीचे वाला सिंप्लीफाई करने से आया n स्क्वायर, ये है tn, लेकिन अभी हमको tn नहीं निकालना, हमको दोस्तों निकालना sn, sn का है वैल्यू सिग्मा tn, सिग्मा ऑफ n+1/2 होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा आपका 1/4 बाहर, सिग्मा n² + 2n + 1, अब इन सबका सिग्मा सेपरेट करना है अपने को, तो 1/4 सिग्मा n² 2 सिग्मा n सिग्मा 1,
अब सिग्मा वन के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, सिग्मा के का क्या मतलब है, के प्लस के प्लस के एन टाइम्स, तो इसकी वैल्यू होगी के इंटू एन, के इंटू एन। तो आप यहां पे सबका सिग्मा सेपरेट कर दिया आपने 1/4, क्योंकि अगर इसमें छोटी सी भी गलती होगी तो ऑब्जेक्टिव में गलती हो जाएगी। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू आप वहां से ले लें, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, प्लस टू इन टू, एन एन प्लस वन बाय टू, प्लस सिग्मा वन की वैल्यू एन है, ये क्या आ गया अपने पास दोस्तों, एस एन आया। और हमको कहां तक निकालना है, सम अप टू नाइन टर्म, मतलब वी आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड एस नाइन, एस नाइन निकालना था अपने को। देयरफॉर एस नाइन इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4, नाइन, नाइन प्लस वन, टू इंटू नाइन प्लस वन बाय सिक्स। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो वैल्यू कैलकुलेट करना है, कोई क्लास 11 का क्वेश्चन तो है नहीं ये, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे इसको। ये टू टू कैंसिल, नाइन, नाइन प्लस वन प्लस नाइन, क्लियर। अब इसको देखो, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, ये नाइन से कैंसिल हो गया, थ्री थ्री जा, थ्री टू जा, ये टू से कैंसिल हो गया फाइव टाइम्स, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो ये कितना आ गया आपके पास, 1/4, 15 इंटू नाइन, टू जा 18 प्लस वन 19, प्लस ये 10 है, 10 इंटू नाइन 90, 90 प्लस नाइन आपका हो गया 99 हो गया, 15 इंटू 19 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 इंटू 99 को कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, लिख दो इसको 1/4, 15 इंटू 20 माइनस वन प्लस 99। अब 50 इसको कैलकुलेट कर ले अपन, 1/4, 15 इंटू 20 ये हो गया 300, और 300 में 99 जोड़े तो 399, और 399 हो गया, 399 में एक और जोड़ दो तो 400 हो गया, और उसमें से माइनस कितना कर दो, 15 तो कर ही रहे थे तो माइनस 16 कर दो, तो माइनस 16 कर दिया, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 16, 400 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपके पास, 400, 384 डिवाइडेड बाय 4, अब 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 9 जा 36, 4 6 जा, तो इसका सम आ गया अपने पास 96, इसका सम का वैल्यू है 96। बी ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शंस में लिखना भूल गया था मैं, अभी आपके सम्मान में, आपके प्रेम में ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, ए का 71 है, बी का 96 है, नहीं तो लगेगा कि अरे सर को पता ही नहीं था, सी 142 है और डी है 192, डी है 192। कूद कूद के खुशी खुशी ये करें, आप ये मत सोचे कि आपको इतना समय लगेगा, अब आप सीख गए, अब आप मास्टरपीस बन चुके हैं, तो आपको बहुत कम समय लगने वाला है, वो तो मुझको ज्यादा लग जाता है, आपको कम लगेगा। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और निश्चित तौर पे करूंगा, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। ये क्वेश्चन हमने 2015 का था, लेकिन हमने इसको पहले प्रायोरिटी पे लिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिखाने वाला क्वेश्चन था। इसी टाइप का 2019 में आया, तो 2019 वाला क्वेश्चन मैं आपके प्रेम में, आपके सम्मान में ले रहा हूं, 1 + 1³ प्लस 2³ अपॉन 1+2, उसमें 1+3 था, इसमें 1+2 है, प्लस 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अपॉन 1+2+3 अप टू, आखिरी का जो लिखा है इन्होंने, जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 1³ प्लस 2³ अप टू 15³, 1, 2, 3 अप टू 15 माइनस 1/2, 1+2+3 अप टू 15। तो देखो मेरे होशियार साथियों, आपको मैं बड़ी आसान सी तरकीब बताता हूं कि इसमें या तो आप क्या करें,
सब में सम का फॉर्मूला लगा ले, या फिर इसका nth टर्म पकड़ ले, nth टर्म पकड़ के उसको सिंप्लीफाई करें और सम अप टू 15 का फॉर्मूला लगा दें, तो जो आपको मंजूर हो वैसा हम कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दें, जैसे 1³, 2³, up to n³ का क्या होता है (nn+1/2)2। तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप चिंता नहीं करें, मेरे साथ बने रहे, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें आप चाहेंगे तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं 1³ + 2³, कैलकुलेट करके। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, (nn+1/2)2। तो इसमें कौन सा लग जाएगा आपका? 2 × 2+1/2² ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 × 2+1/2, नीचे ये वाला लग गया। कौन सा वाला? 1+2+3 up to n। तो ऐसा सब में लगेगा, इसमें भी इस तरीके से लग जाएगा, 3 (3+1)/2² नीचे लग जाएगा 3 (3+1)/2 प्लस। अगर ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी था, अगर इसको ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी से आएगा 15 (15+1)/2² और ये हो जाएगा 15 (15+1)/2। 15 (15+1)/2 कैंसिल, 3 (3+1)/2 कैंसिल, 2 (2+1)/2 कैंसिल, -1/2। और इसमें भी फॉर्मूला लगा दें आप 1, 2, 3 up to 15, तो 15 by 2 (15+1) ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं, देखिए 1। अब ये देखें, ध्यान से देखना इसको आप, इनके सबके अपॉन में क्या आ रहा है? 2, 2, 2 आ रहा है, तो सबका 2 आप क्या कर लो? कॉमन ले लो, सबका 2 आप कॉमन ले लो। और अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं आप तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? 2² + 2, ये कितना हो जाएगा आपका? 3² + 3, अप टू कहां तक? अप टू 15² + 15 माइनस। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन आया आपके पास? आपने 1/2 कॉमन ले लिया था, तो एक 1/2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपका 50। ये तो कैंसिल भी, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 × 16/2, तो इसको क्या कर दो आप? 2 × 8 = 16, और वो 1/2 मैंने ऑलरेडी कॉमन लिया है, तो ऐसा कर देते हैं, यहां पे इसको पैक कर देते हैं। अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे वो आप डिसाइड कर ले। तो देखो, इस 2 को भी ब्रेक कर देते हैं। इस 2 को कैसे ब्रेक कर देते हैं? एक तो कर देता हूं मैं 1² और दूसरा कर देता हूं 1। तो देखो ट्रिक से, 1, 2, 3 up to 15, तो इसका फिर सम हो जाएगा 15 (15)/2 (15+1) किसका? इसका। और ये जो दूसरा वाला है 1² वाला, 1² (2² (3²)/15², इसका क्या हो जाएगा? 15/6 (15+1)/2 × 15+1। कौन सा वाला फॉर्मूला? (nn+1)/2n+1/6 वाला। ये करेंगे तो ही अपना आंसर जल्दी आएगा, वरना फिर तो फिर कहानी बन जाएगी और वो फिल्मी स्टोरी बनेगी, आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा। और ये 15 इंटू कितना है? 8 है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, और 1/2 अपने बाहर है ही, ये भी 15 × 8 है, ये भी 15 × 8 है, काट दो इसको और इसको कैलकुलेट कर लो, 3 × 3 = 3, 2 = 2, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे कर दिया तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 2, कितना हो जाएगा अपने पास? 8 × 3 = 24, 24 × 31 और डिवाइडेड बाय कितना है? 2, तो ये 2 से कैंसिल कर दो, 12 × 31, 12 = 12, फिर कैरी हुआ 1, 12 × 3 = 36, ये हो गया 37, तो ये आपका आंसर आ गया 372। तो देखो जादू जैसा आंसर आया, अगर अपन इसमें वो कहानी बनाते, पहले TN निकालते फिर SN निकालते तो फिर लंबा हो जाता। तो आपको उसके क्वेश्चन की डेप्थ पर अगर मिल जाए, पकड़ में आ जाए, तो आप उसका तुरंत दान महाकल्याण करो, तब आप उससे जीत सकते हो। ये अगर आपको उसका ब्रह्मास्त्र मिल गया तो ब्रह्मास्त्र अपने को तुरंत लगा देना, और घबराने की कोई जरूरत है नहीं, बिना प्रैक्टिस के तो आपको मालूम है कुछ आता नहीं है, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन जो 2019 में आया,
आप देख सकते हैं इसको, अपने घर पे देखें, आराम से देखें, मुझको भी बताएं, अपना भी ज्ञान बढ़ाएं, मेरा भी बढ़ाएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन इतने स्टाइल से मैंने आपके लिए बना रखे हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे टाइम पास भी क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है, और इसका भोकाल ज्यादा है, आप घबराना मेरे साथ, घबराना नहीं, मेरे साथ बने रहना। ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, 1 + 2 × 3, 3 × 5, 4 × 7, up to। अब ये कब आया है? ये भी 2019 मेन 9 अप्रैल को आया है, ठीक है। तो ये वाला भी देखो आप, मस्त क्वेश्चन एकदम, 1 + 1 में कुछ भी नहीं है, ठीक है, डरने की कोई बात है ही नहीं, वैसे भी आप डरते नहीं हो, मेरे साथ रहते हो तो। अप टू 11 टर्म्स, कहां तक का पूछा आपने से? अप टू 11 टर्म्स, तो इसका सम निकालना अपने को। तब ऐसा मत करना लगना कि एक एक करके कैलकुलेट करो तो फिर राम कहानी बन जाए, फिर ये क्वेश्चन कर दो बाकी सब छूट जाए, ऐसा नहीं करना है ना अपने को, होशियार बच्चे हो आप तो। अब ध्यान से सुनो, अब अपन एक काम करो, 2 3, अब इसमें फिल्मी ज्ञान समझो, 2 के बाद कौन, 3, 3 के बाद कौन, 4, ओहो IQ तो तुम्हारा जबरदस्त है, फिर यहां 1 आना चाहिए, 1 तो गायब है, तो लिख सकते ना ऐसे 1 × 1, डरने क्या। और 1 के बाद कौन, 3, 3 के बाद कौन, 5 के बाद कौन, 7। अब तुम्हारे पकड़ में आई बात, 1 2 3 4 का nth टर्म कौन होता है, n, 1 3 5 7 का कौन होता है, 2n-1। जिनको नहीं आता उनके लिए ना, तुम नाराज मत हो ना, जिनको आता हो कि हमारा टाइम खर्च हुआ, उनका भी सोचना कि अपने भाई भी तो बैठे हुए हैं कंपटीशन में। देखो 1 2 3 का निकाल लेना nth टर्म, n होगा, 1 3 5 7 का भी निकाल लेना, उसको डैश कह देना, तो ये हो जाएगा 2n-1। AP के फॉर्मूले से निकाल लोगे तुम, IQ तो है ही अच्छा तुम्हारा, तो TN हो गया ये। अब ये हो गया 2n² - n। अभी आत्मा शांत हुई क्या? नहीं रे, नहीं बाबा, SN निकालना पड़ेगा। SN कितना? सिग्मा TN, 2 σn² - σn² सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू स्टाइल से n n+1 2n+1 by 6 - n n+1 by 2। अब इसमें क्या करना है, सॉल्व करोगे क्या इसको? नहीं नहीं नहीं, अब n की जगह क्या रख देंगे अपन, 11, s 11 रखो, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 11 11+1 2 × 11+1 upon 3 - 11 × 11+1 by 2, ये जाएगा 2 6 जा, और इसको कैंसिल कर दो, ये 12 है ना, तो इससे कैंसिल कर दो, 3 4 जा, तो 11 4 जा कितना हो गया, 44 इंटू 2 × 11 22+1 23 - 11 × 6 66 होता है, मैं जानता हूं है ना, 66 होता है, चलो तुम्हारे प्रेम से लिख देता हूं, 66 लिख दिया। अब तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई मत करो, अकल लगाओ, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 22 कॉमन आ रहा है, ले लो 22, तो 22 कॉमन ले लिया अपने पास, कितना बचा, 2 × 23 - 3। अब 3 मत ले लेना कॉमन, अब इसको मल्टीप्लाई करना, 2 × 23 = 46, 46 - 3 = 43, तो 22 × 43 तो कर लोगे ना, मेरे को इसकी बताने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, तो ये तुम कैलकुलेट कर लेना और खुश होके नाच नाच के अपना आंसर वेरीफाई कर लेना। अच्छा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बता दूं, कई वैज्ञानिक जो है ना वो ऑप्शन पे देखेंगे कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका 915 946 916 हो गया ना, नंबर कहाँ चला गया, 945। तो समझ में आ गया तुमको कि ये 3 2 6 वाला है, तो 6 ही आएगा इसका है ना, तो 6 जिसमें, तो अब यहां पे पहुंचा दिया तुमको, अब इसके बाद का तुम कर लेना, नहीं कर पाओ तो चलो फिर तुमको एक और बात बता देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे, बहुत जल्दी करना तो फिर स्टाइल से कर लेना, 22 और इसको लिख लेना 40+3, तो 22 × 40+3 कर देना, तो ये भी तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा, तो ये आप तुम्हारा आंसर 946 आ जाएगा, और एंजॉय करना, फिर मेरे को खबर करना कि क्या आंसर आ गया तुम्हारा।
चलो अब हम आगे देखते हैं। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो अगले में फिर आप देखो, मैंने होशियार बनाने की ठान ली तुमको, तो अब तुम्हें होशियार बनाए बिना मानूंगा नहीं। तो ये क्वेश्चन शायद था 3, अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ये 2019 में आया था दोस्तों। ये वाला कब आया? ये जनवरी में, ये भी 2019। वाह, तुम्हारी भी किस्मत चमक गई। भरमार 3/4 होल क्यूब प्लस 1 + 1/2 होल क्यूब, यहाँ प्लस रहता है ना, प्लस 2 1/4 इंटू नहीं रहता, इसके बीच में प्लस रहता है, प्लस 3³ प्लस 3 and 3/4³ प्लस --++ अप टू 15 टर्म्स। तो अब इसको खोलना नहीं, अभी अपने फिर बुद्धि लगाना है। तो बुद्धि के सागर सब बैठे हो आप मेरे इतने होशियार होशियार बच्चों, तो अपन कर लेते तुम्हारे साथ मिलके। इसमें 4 है, इसको देखो 2 + 1 = 2 + 1 = 3/2 3/2 को ऐसा लिख सकते हो क्या तुम? 3/2, तो 3 को लिख दो, 3 को ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/4³ हो गया। क्योंकि एक जैसा पैटर्न नहीं होगा तो आएगा कहां से? 4 × 2 = 8 + 1 = 9। देखो अब तुम्हारी बुद्धि चलेगी, अब बन गया ना। 3 के बाद 6 आता है, 6 के बाद कौन आता है? 9 के बाद क्या आता है बताओ? 12 4 अपने मन से 4 × 3 = देख आ गया कि नहीं? तो बिल्कुल मेरे साथ में बने रहना आप। इसको भी देख लो एक बार, तो तुम्हारा दिमाग चाचा चौधरी जैसा तेज हो जाए। 4 × 3 = 12 + 3 = 15 बिल्कुल बैठ गया ना, एक नंबर का काम अप टू 15 टर्म्स। तो 15 टर्म तक का सम निकालना है, ऐसा नहीं करना कि 15 टर्म का, तो 15 टर्म का सम निकालना है। तो फिर क्या करें दोस्तों, क्या करें? ऐसा करो 3³ कॉमन ले लो ऊपर से, 4³ कॉमन ले लो नीचे से, क्या बचेगा? 1³ 2³ 3³ अप टू आखिरी वाला बचेगा 15³। और वो फॉर्मूला तुम्हारे लिए रख रखा है मैंने, अभी तक मिटाया नहीं, अमर कर दिया उसको, देखो उसमें जाके। ये हो जाएगा 27/64 इंटू, वो लगा दो फॉर्मूला, 15 + 1/2 होल स्क्वायर, है ना? तो ये आ गया आपको। ये वीडियो मैं घर से आपकी सेवा में बना रहा हूं कि ताकि आपकी जो स्टडीज हैं, 16² को 16 × 16 लिख दिया, सफर ना कर पाए। तो अभी बीच में रोने की आवाज आपने सुनी होगी, तो मेरी भतीजी की है, वो छोटी है बहुत, तो सोच रही होगी कि आपको डिस्टर्ब करूं पढ़ाने के लिए, तो सबने रोक दिया घर वालों ने। घर वाले भी लगे कि सर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों का भला होने दो, मोदी जी की बात माने सर, और देश को सही तरीके से डेवलप करें। तब आपके पास 27 × 15² आ गया। 27 × 15² 15² मालूम है ना तुम्हें? 225 होता है, तो 225 होता है, तो 225 लिख लो, या ऐसा कर लो 200 + 20 + 5 लिख लो, आप जैसा समझो। अच्छा, मैं तो बिल्कुल स्टाइल से ऐसे लिख देता हूँ, अपनी अपनी मर्जी है ना। तुम लोगों ने तो अबेकस की क्लास ज्वाइन की होगी, तो तुम्हें सब कुछ आता होगा। ये इसको कर दिया तो ये हो गया 5400, इसको इससे कर दो तो 540, और इससे कर दोगे तो फिर अब देख लेना कितना होगा, 5 × 7 = 35, 5² = 135। अब स्टाइल से जोड़ दो, तो ये जुड़ा 5, ये जुड़ा 7, ये जुड़ा 0 और ये जुड़ा 6, 6075, ये इसका आंसर आ गया। आंसर के कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो माइंड मत करना, ठीक है? पर तरीका यही है, दी बेस्ट, एकदम एक नंबर, पता भी नहीं चलेगा, सोल्यूशन भी आएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बोलने की बात नहीं है, फ्री में आप समझो, आपको ये सब सर्विस है। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को एनकरेज करेंगे, देखेंगे, तो हम किसी समय लाइव भी हो सकते हैं। लाइव होने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर क्रॉस करना होता है, और वो नंबर जैसे ही हम क्रॉस करेंगे,
तो आपके दोस्त, आपके साथी और जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं, दोज हुआ डिप्राइव्ड, जिनको अच्छी सर्विस, अच्छे टीचर एकदम से नहीं मिल पा रहे, उनको भी ऐसी सर्विस मिल पाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया है। देखो किस किस तरह से, और एक ही तरह के भी है, 3 × 1³/1² 5 × 1³/2³/1² + 2² 7 × 1³/2³/3³/1² + 2² + 3² और जेई वाले बहुत होशियार और बहुत टैलेंटेड हैं, वो एन का क्वेश्चन नहीं देते अप टू 10th टर्म कि उसकी ट्रिक लगा दी, ट्रिक लगा दी सर, ट्रिक लगा दी, वो ट्रिक का बाप देते हैं कि ये लगा दे अब ट्रिक, इसकी वैल्यू क्या है, नंबर है, अब नंबर कैसे निकालेंगे, ट्रिक कहाँ काम आएगी। एन का क्वेश्चन होता तो एन की जगह 1 रख दो 2 रख दो 3 रख दो चेक कर लो, पर वो ऐसा क्वेश्चन, इतना ऑर्डिनरी क्वेश्चन थोड़ी देते हैं, ऑर्डिनरी नहीं देते तो चलो अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। 3, 5, 7 इसका एनथ टर्म, इसका एनथ टर्म 2n+1 एपी से निकाल लेना, नहीं आए तो, वैसे तो आ गया होगा, मैं जान गया आप चाचा चौधरी हो, है ना, लड़कियां भी मेरी क्यूरी से कम नहीं है, लड़कियां भी देख रही होंगी बराबर से। 1³/2³ कहां तक का है, अप टू 10 टर्म का, लेकिन अपन क्या करो पहले जनरल वाला निकाल लो, तो जनरल में क्या आ जाएगा, n/2n+1² ठीक है, ये जनरल निकाल लिया, इसका भी जनरल लगा दो तो ये एन स्क्वायर ये वाला लगेगा इसमें, n n+1 2n+1/6 है, तो 6 को ऐसा लिख लो, क्योंकि थोड़ा विजनरी भी बनो, अकल से अपन को विजनरी बनना है, और आप बेहतरीन बच्चे हो मैं जानता हूं इस बात को, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, तो अब ऊपर कौन चला गया, अब अपने पास दोस्तों ऊपर चला गया 3 अपॉन में कौन है 2, यहां कौन बचा एन स्क्वायर, प्लस कौन बचा एन बचा, ये क्या चीज है, ये टी एन है, ये आंसर नहीं है, एस एन आंसर है, एस एन क्या होगा 3/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट धड़धड़ धड़धड़ वैल्यू रख देना, उसमें आ जाएगा आपका आंसर 3/2 n n+1 2n+1/6 + n n+1/2 और आपको क्या पूछा उन्होंने 10 तक का निकालना है s10 तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज s10 की बात बता रहा हूं मैं आपको s10 के लिए यहां पे 10 डाल देना तो जब 10 डालोगे तो हो जाएगा 10 3/2 ऐसा कैसा 10 11 21 6 प्लस 10 11 2 तो ये कैंसिल कर दो 3 से 3 7 जा 3 2 जा ठीक है अब इसमें क्या करें अपन दोनों का क्या बाहर ले सकते हैं अपन एक तो क्या ले सकते हैं 10 11 ले सकते हैं बाहर तो 10 और 11 बाहर ले लो तो ये कितना जाएगा 3/2 10 × 11 होता है 110 7/2 + इसमें बचेगा 1/2 8/2 तो 4 हो जाएगा ये इससे कैंसिल कर देना 2 जा ये कितना हो गया 3 × 11 3 × 30 × 2 तो ये जाएगा 660 कितना आ जाएगा आपका 660 ठीक है आप देख लेना आंसर बिल्कुल सही बता दिया एकदम सही इस पर टिक कर देना बुक आपके पास बारात की तरह होंगी सारी बुक आपने खरीद रखी होंगी ये भी मेरे को अच्छे से आइडिया है कि बुक की कोई कमी आपने होने नहीं दी आपके पेरेंट्स ने नहीं होने दी होगी और आप भी बड़े चूजी हो सारे क्वेश्चंस जो जेई के हैं ये आपके पास पहले से अवेलेबल हैं और इतने ब्रिलियंट बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी है
दिल से खुशी है। अब आओ, ये भी 2019 का ही है,